हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है खुशबू गुप्ता और मैं कैबिन क्रू हूँ, आप सबको पता ही ऑलरेडी। तो आज मेरे वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है। तो मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कि व्हाट्स इन माय क्रू बैग। तो क्रू बैग, जब से मैं कैबिन क्रू बनी हूँ एज अ फ्लाइट अटेंडेंट, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ डेवलप किया है अपनी हैबिट्स को। एंड द बेस्ट पार्ट इज मुझे पता है कि मुझे पैकिंग किस तरह से करना है। बहुत अलग तरीके से पैकिंग हो जाता है, एक छोटे से बैग में हम बहुत कुछ कैरी कर लेते हैं, जो मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। ये है मेरा कैबिन क्रू बैग। सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट माय बैग इज दिस इज जस्ट नॉट माय बैग, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज इसके बिना मुझे एकदम अधूरा लगता है। मतलब एज ए कैबिन क्रू मैं इसके बिना पूरी अधूरी हूँ। तो ऑफकोर्स किसी को भी अधूरा पसंद नहीं होता है अपने आप को देखना, तो मैं पूरी कंप्लीट दिखती हूँ इस बैग के साथ। ये बैग एक्चुअली मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बैग इज ये मेरा ऑफिस किट है, ये मेरा जर्नी कंपेनियन बोल सकते हो आप, वो भी है। और ये लाइट वेट हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। एंड तरीके से इसे पैक किया जाता है, हमें सिखाया जाता है, ताकि आराम से ओवरहेड बिन कंपार्टमेंट में फिक्स हो जाए। सो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये इसमें ये बैग में एक्चुअली क्या क्या चीजें है एंड व्हाई आई थिंक दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड। सो को बोलना चाहती हूँ प्लीज डू नॉट जज मी, क्योंकि मैं अभी फ्लाइट से आई हूँ और ऐसी मैं खोलने वाली हूँ मेरा बैग। सो मेरा बैग खुलते ही देखते हैं क्या दिखता है। खुल जा सिमसिम वाला थिंग। वो सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सो पहले तो मैं इम्पोर्टेंट चीज आप सबको यहाँ से बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बैग में कोई भी जगह छोड़ा नहीं है, मैंने हर एक चेन को ऑक्यूपाई किया है। सो फर्स्टली ये जो छोटा सा यहाँ पर एक चेन है, यहाँ पर मैं रखती हूँ क्योंकि बहुत इजी एक्सेस हो जाता है। ये मेरा ईयरफोन्स, उसके बाद ये मेरे अमेरिकन टूरिस्टर का वारंटी कार्ड, सो दैट अगर कुछ भी होता है बैग को एटलीस्ट आई हैव दैट ऑप्शन, यू नो आई कैन गो एंड क्लेम अंडर वारंटी। उसके बाद ये जो मेरा सेकंड चेन है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मेरी, जो होता है मेरा पासपोर्ट। एंड यहाँ पर होता है मेरा आईडी कार्ड, इसे हम मंगलसूत्र बोलते हैं, बिकॉज ये अगर नहीं होगा तो हमें एंट्री भी नहीं मिलती। एंट्री के साथ साथ हमें मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये सब चीजें नहीं करने मिलेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इट्स लाइक द मेन इम्पोर्टेंट थिंग एज वेल एज दिस। दिस इज कॉल्ड एयरपोर्ट एंट्री परमिट, मतलब इसको पास बोलते हैं हम लोग, AEP। AEP इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब बींग अ कैबिन क्रू अगर हमारे पास ये आईडी भी है ना, तो भी हमें एंट्री नहीं मिलता है एयरपोर्ट पर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा पास होता है, ताकि हम एंट्री करें विद दिस पास। हम अपने अगर फॉर्मल्स में भी जाते हैं ये पास लेकर, तो हमें एंट्री मिल जाती है। यही चेन में मैं अगेन थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज रखती हूँ, जस्ट लाइक अ हैंडी थिंग। ये मेरा परफ्यूम है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़ारा का ऑर्किड। ये मतलब मैं लगाती हूँ ना, मुझे बहुत सारे पैसेंजर्स और क्रू भी पूछते हैं यार कौन सा परफ्यूम लगाया, क्योंकि ये इट्स लाइक अ ब्लूमी, मतलब यू नो फ्लावरी एंड थोड़ा फ्रेश फ्रेग्रेंस। आई लव फ्रेश फ्रेग्रेंस, मुझे हार्ड नहीं पसंद है। उसके बाद ये मेरे लिपस्टिक, थोड़े ग्रूमिंग किट है एंड दिस इज़ ORS। ये मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे या फिर कोई भी क्रू को अगर थोड़ा सा भी यू नो बीपी लो होता है, तो ये मैं उनको मिला के पिला देती हूँ। एंड मेरे साथ एक लास्ट टाइम फ्लाइट में हुआ था, जहाँ पर एक पैसेंजर थी, वो अकेले ट्रैवल कर रही थी और उसको एनजाइटी हो रही थी और बीपी लो हो रहा था, तो मैंने उनको बोला आप ORS पियोगे, क्योंकि मुझे भी ORS सूट करता है। तो वो हंस के बोलती हाँ हाँ चलेगा, एंड लकीली इट वर्क फॉर हर एंड शी वॉज सो हैप्पी कि एंड ऑफ द फ्लाइट में एंड यू नो वो बहुत ज़्यादा प्रेज करके मुझे गई। उसके बाद ये मैं लिप बाम रखती हूँ, क्योंकि हम फ्लाई करते हैं और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्लाइट में, तो ये काम आता है कभी कभी, ताकि लिप्स चिप नहीं करे। उसके बाद ये मेरा नेल पेंट है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं हमेशा कैब में लगाती हूँ, क्योंकि मुझे घर पे लगाने टाइम नहीं मिलता और मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ, तो मैं इस तरीके से अपना
ग्रूमिंग फटाफट कर लेती हूँ, तो बहुत हैंडी होता है, इसलिए मैं यहाँ रखती हूँ। तो ये दोनों सेक्शन हो गया है अब। सो बाहर का सेक्शन आप लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, तो लेट्स सी अंदर का सेक्शन मैं आप सबको दिखाती हूँ। सो अंदर के सेक्शन में सबसे पहले आता है ये वाला चेन सेक्शन, अगर आपको दिख रहा हो तो। चलो मैं शिफ्ट हो जाती हूँ थोड़ा। तो ये सेक्शन दिखता है चेन वाला, जहाँ पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज रखती हूँ। इसे बोलते हैं हम लोग QRH। QRH इज लाइक क्विक रेफरेंस हैंडबुक। तो कभी भी फॉर गॉड सेक, अगर कभी भी इमरजेंसी आ जाती है फ्लाइट में, अगर मेडिकल इमरजेंसी हो गया या सेफ्टी इमरजेंसी हो गया, जहाँ पर हमें अचानक में लैंड करना है, या फिर अचानक में कोई मेडिकल इमरजेंसी, हार्ट अटैक आ गया, या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी होता है, और हम कभी कभी पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें याद नहीं होता है हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये हमारा एक ऐसा बुक है जहाँ पर हम इसे कभी भी इन फ्लाइट में कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम कभी भी इन फ्लाइट में ये बुक लेके हम रेफर कर सकते हैं, ताकि हम कोई भी चीज में कंफ्यूज ना हो, एंड अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज हो जाती है। मतलब यू नो बहुत सारे इंक्वायरी होने लगते हैं, इसलिए फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीइंग अ कैबिन क्रू यू हैव टू एंश्योर दैट यू नो यू गो थ्रू दिस बुक थरली, एंड यू नो कि आपको कैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं कोई भी इमरजेंसी के लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक होता है, इसके बिना अगेन आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो इन फ्लाइट, अगर आप ऑन ड्यूटी हो। चलो फिर इसको मैं रख देती हूँ, वरना मैं यहाँ वहाँ अगर रख दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर मेरी नेक्स्ट फ्लाइट फटाफट लगा दिए तो। चलो उसके बाद मेरे यही सेक्शन में मैं रखती हूँ मेरा यूनिवर्सल चार्जर, क्योंकि आप देखे हो मेरे को ऑलरेडी मैं ट्रैवल करती हूँ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस बाय गॉड्स ग्रेस, तो हर जगह सिर्फ USB लेके नहीं जा सकती। ऑफ कोर्स आई नीड दिस यूनिवर्सल चार्जर जो मैंने Amazon से ऑर्डर किया था, इट्स वेरी नाइस, हर कंट्री का मुझे यहाँ पर दिखता है। यूरोप बहुत हेल्प करता है एज अ कैबिन क्रू, हमें ये कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपना वॉलेट कैरी करती हूँ, वॉलेट में मोस्टली सबसे पहले तो मैं ये रखती हूँ, मेरी मम्मी पापा छोटी का फोटो जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो ये मुझे थोड़ी एक पॉजिटिविटी देता है भगवान के साथ साथ। उसके बाद मैं अपने सारे ट्रैवल कार्ड्स कैरी करती हूँ, लाइक ऑयस्टर इज लाइक अ ट्रैवल कार्ड इन UK, तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज के कैरी करती हूँ। बाकी पैसे वैसे तो नहीं रखती, क्योंकि इतने पैसे नहीं मिलते मजाक कर रही हूँ। तो ये है मेरा, ये सेक्शन का एंड होता है। उसके बाद यहाँ का मैं आपको बताना चाहती हूँ, सो यहाँ पर मैं रखती हूँ फर्स्ट, ये मेरा मेकअप किट है। मेकअप किट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन आप लोग सोचोगे यार मेकअप तो करके जा रही हूँ फ्लाइट में, फिर क्यों मेकअप करना है? तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम QTA करते हैं, QTA इज लाइक क्विक टर्न अराउंड, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू दुबई एंड आई एम डूइंग अ QTA लाइक दुबई बैक, तो मैं जाके रिटर्न आ जाऊंगी, मुझे लेओवर नहीं होगा। फिर भी आई कैरी दिस पाउच, क्योंकि कभी भी अनस्केड्यूल लेओवर हो सकता है, जैसे कुछ एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया, या कोई भी XYZ रीजन के वजह से हमें अगर रुका दिया वहां पर होटल में, अकोमोडेशन दे दिया, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास ये रहना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं या हम ड्यूटी पे आ रहे हैं, कुछ भी रीजन होगा तो हमें मेकअप करना है, क्योंकि बींग अ कैबिन क्रू वी हैव टू बी लाइक ग्रूम्ड ऑल द टाइम। तो ये मैं अपना ग्रूमिंग किट कैरी करती हूँ, जिसमें मेरे ब्रश है, ब्रश को मैं ऐसे यू नो एक पाउच में रखती हूँ। ये मेरा मेकअप फिक्सर है मैक का। फिर ये मेरा कोम है, जो मैं ज़्यादा कोम करती नहीं हूँ बट रखती हूँ मुझे ज़्यादा करने मज़ा नहीं आता है, मुझे ऐसे कर्ल्स ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऐसी रहती हूँ। फिर ये मेरा हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन है, मैं शुगर का फाउंडेशन भी रखती हूँ कभी कभार यूज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ, कभी फुर्सत में इसके बारे में बताऊंगी कि मेरे मेकअप में क्या क्या होते हैं। सो ये हो गया मेरा मेकअप किट। उसके बाद ये है मेरा कैबिन शूज। सो अगेन आप सबको अगर पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो वेल एंड गुड, अगर पता नहीं होगा तो हमारा दो शूज होता है मैंडेटरी, मतलब फॉर गाइज, फॉर मेल क्रू इट्स ऑलवेज वन शूज, मतलब वो जाते जिस शूज में घर से निकलते वही शूज में घर पर आते, बट फॉर अस
हम जो शूज पहन कर घर से निकलते हैं दैट इज लाइक अ हील्स, वो हम पहन कर रिटर्न तो आते हैं घर पर, लेकिन हम जो इन फ्लाइट होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरे टाइम में हील्स पे रहना इज नॉट अ गुड पार्ट, मतलब बैक इश्यूज होने लगते हैं और फिर यू नो काफ इश्यूज होने लगते हैं, इसीलिए हमें कैबिन शूज फ्लैट दिया जाता है। सो ये मेरा है, जो ये मेरा फ्लैट शूज रखा है मैंने इसमें, बाकी हील्स जो है वो कैबिनेट में रखा हुआ है, शू कैबिनेट में। सो ये कैरी करना पड़ता है क्योंकि जैसे ही हम इन फ्लाइट जाते हैं, जैसे ही हम एयरक्राफ्ट पे पहुंचते हैं, बोर्डिंग वोडिंग खत्म होने के बाद जैसे ही टेक ऑफ होने वाला रहता है, मैं ये शूज चेंज कर लेती हूँ सो दैट आई एम इन माई कम्फर्ट। उसके बाद ये सबसे अगेन सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ये कैरी करना पड़ता है हमें, मतलब हमारा बैग में इतने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है कि इसके बिना हम कुछ भी नहीं है, मतलब वी आर नथिंग। सो ये मेरा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जिसमें आता है, अभी हम जब भी फ्लाइट के पहले जाते हैं हमारा एक ब्रीफिंग होता है, सो ब्रीफिंग में हमारे जो कैबिन सुपरवाइजर्स होते हैं वो हमारा ये चेक करते हैं एवरी टाइम, क्योंकि इसमें हमारा सारी चीज़ें डिटेल में लिखा होता है कि हमारा डिचिंग ड्रिल कब हुआ है, फिर स्मोक फायर ड्रिल कब हुआ है, इमरजेंसी ट्रेनिंग कब हुआ है, एफसेक जो एविएशन सिक्योरिटी कहा जाता है, मेडिकल चेक कब हुआ था हमारा। सो ऐसे अलग अलग टाइप्स की ट्रेनिंग होते हैं जिसमें हमारा लिखा होता है वैलिडिटी कब तक है या हमारा ड्यू है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशनड होती है। अगर आपका ये एक्सपायर हो जाता है तो यू कैन नॉट फ्लाई, यू विल हैव टू इंश्योर दैट आपका वो विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टाइम हो, तभी आपको फ्लाइंग करने के लिए अलाउ किया जाता है। तो अगेन दिस इज अ वेरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट दैट वी हैव टू कैरी, वी हैव टू कैरी। फिर ये है फ्लैशलाइट, फ्लैशलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे सुपरवाइजर्स चेक करते हैं, क्योंकि जैसे अगर फ्लाइट में लाइट नहीं है और कभी इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, पावर नहीं है फ्लाइट में, या फिर कहीं हम लैंड होते हैं इमरजेंसी में और हम लैंड होते ही वो पूरा यू नो अंधेरा है, तो वहाँ पर हम अपने फ़ोन का फ्लैशलाइट कभी वो रहा या फिर कभी फ़ोन ऑफ हो गया, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो इसलिए ये मैंडेटरी है, ये भी कैरी करना पड़ता है सो दैट इमीडिएटली वी कैन टेक अ एक्शन। ये हो गया मेरा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। उसके बाद अब ये है मेरा यूनिफॉर्म, ये मेरा एक और पेयर ऑफ यूनिफॉर्म, तो मैं एक ऑलरेडी पहन के जाती हूँ और एक और कैरी करती हूँ जस्ट इन केस कुछ भी हो जाए इन फ्लाइट यार, मतलब चाय गिर गया या खाना गिर गया, पैसेंजर को सर्व करते करते कुछ भी हो गया, या फिर ओवरहेड बिन शट करते करते यहाँ से कुछ फट गया, कुछ भी हो सकता है, सो यू नेवर नो। तो इसलिए ये कैरी करना पड़ता है। और कभी हम लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स कर रहे हैं जहाँ पर हमें लेओवर है, तो मैं वहाँ धोने से अच्छा ये प्रेफर करती हूँ कि मैं दूसरा सेट कैरी करूँ और वो पहन के आ जाओ ताकि घर में एक साथ धुल जाए। तो ये सेकेंड सेट ऑफ यूनिफॉर्म है। उसी के साथ साथ मैं इसी में अपना फॉर्मल एक्स्ट्रा एक फॉर्मल पेयर ऑफ सेट डालती हूँ जस्ट इन केस। अगेन हमारा एक डेड हेड होता है जहाँ पर हमें अचानक कोई फ्लाइट मिल गई, एयरपोर्ट स्टैंड बाय कर रही हूँ मैं, स्टैंड बाय जाते जाते मुझे ऐसी कोई फ्लाइट मिल गया जहाँ पर मुझे डेड हेड करना है, तो डेड हेड में हमें पहनना पड़ता है फॉर्मल्स, हम यूनिफॉर्म में नहीं जाते, तो फॉर्मल सेट ऑफ फॉर्मल पेयर है कैरी करती हूँ मैं अपने साथ। एक्चुअली सबको कैरी करना पड़ता है तो इट इज़ लाइक मैंडेटरी। तो ये हो गया। उसके बाद एक नाइट वेयर कैरी करती हूँ, ये तो चलो मेरा अभी जहाँ से आई हूँ मैं वहाँ से कैरी की थी, अब मैं इसको धोने डालूंगी, बट एक नाइट वेयर हमें कैरी करना पड़ता है, तो ये नाइट वेयर है मेरा। उसके बाद और क्या है, हाँ ये भी मेकअप रिमूवर, इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कैरी करती हूँ मैं सो दैट कभी भी मुझे लगा यूज़ कर सकूँ। उसके बाद ये मेरा एक और, तो ये जो पाउचेज है ना मुझे बहुत पसंद है, छोटे 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 क्यूट से पाउचेज, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज रखता है अपना बैग, यू नो बिखरा नहीं होता है, फैला नहीं होता है और अच्छा लगता है देखने में अगर खुलता भी है बैग किसी के सामने। तो ये मेरा एक छोटा पाउच है जो इट्स लाइक अ टॉयलेटरी किट जहाँ पर मैं अपना सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, फिर रोल ऑन यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत इजी है एक्चुअली यूज़ करना और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब इट कीप्स यू फ्रेश ऑल द टाइम, आई वुड से इट्स वेरी नाइस। फिर मेरा ब्रश
टूथपेस्ट है, टंग क्लीनर है, मुझे टंग क्लीनर के बिना ज़रा भी नहीं जमता है, तो मुझे चाहिए वो। उसके बाद फेस वॉश है, फेस वॉश, तो ये बेसिकली ये मेरा टॉयलेटरी किट है जो हमेशा रखती हूँ अपने साथ, क्योंकि कभी भी मुझे मेकअप से निजात पाना है तो मैं फटाफट यूज़ कर लेती हूँ। तो ये हो गया है मेरा क्रू बैग, और ये ऐसे एक नॉर्मल सा बैग रखती हूँ जस्ट इन केस मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालनी है इसमें, तो मैं फटाफट इसमें डाल देती हूँ ताकि मेरे बैग जैसे बिखरे ना हो और यू नो अनटाइडी ना लगे। मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा ऑर्गेनाइज रहे, और ये सारी चीज़ें मैंने सीखा है एज अ फ्लाइट अटेंडेंट। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू नो माई जॉब, टू माई प्रोफेशन, बिकॉज इट हैज़ टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। आई मीन माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, एवरीथिंग इज चेंज्ड। मतलब व्हेन आई मीट माई फ्रेंड्स नाउ, जो मेरे बचपन के फ्रेंड्स थे, दे से दैट खुश यू कम्प्लीटली चेंज, एंड आई फील सो गुड। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई कंपनी, थैंक यू सो मच। सो ये हो गया है मेरा कैबिन क्रू बैग। कभी ये टिश्यूज रखती हूँ जस्ट टू इंश्योर दैट आई वाइप माई फेस, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा थोड़ा ऑयली हो जाता है फ्लाइट में भी, और जब मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ तो मैं फटाफट ऐसे डैप कर लेती हूँ, सो दैट इट लुक्स, आई लुक फ्रेश। एंड आई कीप दिस एलोवेरा जेल ऑल्सो, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से फ्रिजी हो जाते हैं जब मैं भागती रहती हूँ कैबिन में, तो जब ज़्यादा फ्रिजी हो जाते तो हम जब पानी से यू नो सेट करते हैं ना, तो फिर से वो पानी से सेट होते होते वो फिर से खड़े हो जाते हैं, ऐसे मतलब बेबी हेयर आ जाते हैं। तो व्हेन आई अप्लाई दिस एलोवेरा जेल ना, तो वो प्रॉपर से सेट रहता है, और मेरे को लगता है एंड ऑफ द डे तक मैं एकदम सेट होके जब मैं घर पे आती हूँ तो इट इज़ स्टिल सेट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा कभी कभी जस्ट इन केस मुझे भूख लगता है तो मैं खाती हूँ खजूर। खजूर इंस्टेंट एनर्जी देता है मुझे, और मेक श्योर करता है कि मैं यू नो बेहोश ना हो जाओ फ्लाइट में। तो ये मेरा, मैं बोलना भूल गई आपको, यहाँ पर मैं रखती हूँ ऐसे छोटा सा डब्बा टाइप जहाँ पर मैं फट से ऐसे खा लेती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कोई क्रू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं उनको भी दे देती हूँ, ऑफर कर देती हूँ, ताकि हम सब हेल्दी रहे और बीमार ना हो फ्लाइट में। और एक और चीज़, मैं कभी कभी प्रोटीन बार भी कैरी करती हूँ जस्ट बिकॉज मैंने खा लिया है तो अभी नहीं है बैग में, बट मुझे अभी ख़रीदना है तो प्रोटीन बार ले लेती हूँ या प्रोटीन शेक्स ले लेती हूँ, तो काइंड ऑफ मेरा प्रोटीन पाउडर वर्क करता है। हाँ, ये छोटे से डब्बे में मैं अपना प्रोटीन पाउडर कैरी करती हूँ और शेकर कैरी करती हूँ, तो जब भी मुझे लगता है कि आई एम फीलिंग गिडीनेस या फिर मुझे यू नो चक्कर आ रहा है, क्योंकि हमारा फ्लाइट का जैसा होता है ना, जब हम घर से निकलते हैं और फ्लाइट पे खाना खाने तक हमारा ऑलमोस्ट 7 to 8 hours हो जाता है जिसमें हम खा नहीं पाते, तो हमें ऐसा लगता है कि अब बस हो गया, कुछ तो चाहिए खाने के लिए, और बीच सर्विस में हम जाके खाना खाने तो नहीं बैठ सकते, तो ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प करती है बीच बीच में अपने आप को बूस्ट करने के लिए। सो दैट्स इट टुडे, और ये सारा मेरा स्नीक पीक था सारे कैबिन क्रू बैग में मेरा क्या था, और मोस्टली आप सब हर क्रू के बैग में ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो डेफिनेटली होता है हर क्रू के बैग में, बाकी सब थोड़ा एक्स्ट्रा या थोड़ा कम ऊपर नीचे होता ही होता है। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैबिन क्रू बनने के बाद मैं ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली मैनेज कर पाती हूँ, वरना एक टाइम था कि मुझे ऐसा लगता था ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और वैसे ही मैं अभी यूट्यूब चैनल को भी ग्रो करना चाहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ हमेशा कि ना मैं कैसे अपने चैनल को ग्रो करूँ। अगर आप सबको कोई सजेशन देना है या कोई चीज़ का वीडियोज़ बनाना चाहते हो आपकी मैं बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू ऑल्सो। और अगर आप सबको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। थैंक यू, लव यू ऑल।